हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम विभाज्यता परीक्षण के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम देखेंगे कि कोई भी संख्या 2 से, 4 से, 8 से या 16 से, तो इनसे कब विभाज्य होती है, इसके क्या नियम है, तो ये इसके शॉर्टकट्स हम देखेंगे। 2 से विभाज्य होने के नियम, तो कैसे हम पता करें कि कोई भी संख्या आपके 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो उसके लिए क्या है, हमें सिर्फ इकाई अंक, संख्या की जो इकाई अंक हो उसे देखनी है, बाकी अंकों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर इकाई अंक आपके 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो दी हुई संख्या आपको 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए 53,680, इसकी इकाई अंक आप देख लीजिए ये 0 है, मीन्स आपको इन सभी अंकों में से कोई एक है तो ये हमारी 2 से विभाज्य होगी। इस संख्या को देखें तो इसकी इकाई अंक 2 है तो ये भी विभाज्य होगी 2 से। इस संख्या की इकाई अंक 3 है जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, तो ये संख्या जो है हमारी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, और ये अंतिम संख्या अगर देखें तो इसकी भी इकाई अंक 5 है, मीन्स 0, 2, 4, 6 और 8 में से नहीं है, तो ये पूरी संख्या जो है ये भी हमारी विभाज्य नहीं होगी 2 से। ठीक है, तो सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है और बता सकते हैं हम कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। अब हम 4 से विभाज्य होने के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 4 से अगर हमें चेक करना है कि कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दी हुई है उसके अंतिम 2 अंकों को सिर्फ देखनी है। ठीक है, दहाई अंक तथा इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त या विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो है आपको 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए अगर इस संख्या की हम बात कर ले तो ये आपका 20। ठीक है, सिर्फ इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को हमें देखना है। तो 20 क्या 4 से विभाज्य है, तो 4 × 5 आपको 20 हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। वहीं दूसरी संख्या जो दी हुई है इसकी अंतिम 2 अंकों को अगर हम देखें तो ये है आपका 42। 42 क्या 4 से विभाज्य होगी, तो 4 × 10 = 40 हो रही है, तो शेषफल हमारा 2 आ जा रहा है, मतलब कि ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो पूरी दी हुई जो संख्या है वो भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8 से विभाज्य होने के नियम क्या है। देखिए जैसा कि हमने 4 से विभाज्य होने के नियम को देखा वैसा ही 8 से भी कुछ वैसा नियम है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अंतिम 3 अंकों को देखते हैं, इसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो पूरी दी गई संख्या जो है वो 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए 2 संख्या है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंकों को सिर्फ देखेंगे और ये बनी हुई संख्या जो होगी 464। तो 464 को हम अगर भाग दे 8 से तो क्या ये विभाज्य होगी 8 से, तो विभाज्य करके देखते हैं, 53,58। ठीक है, तो ये आपको विभाज्य हो रही है, तो पूरी दी हुई संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। वहीं इस संख्या को देखें 846, ठीक है, 846 3 अंकों से बनी हुई संख्या है, इसे अगर हम भाग दें 8 से तो क्या आएगा, 8 1 1 0, उसके बाद 5 × 8 + 6, तो ये पूर्ण रूप से आपको 8 से विभाज्य नहीं है,
तो ये पूरी दी हुई जो संख्या है ये 8 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं 16 से विभाज्य होने के नियम। तो इस जैसे कि हमने डिस्कस किया 4 से क्या नियम है, 8 से क्या नियम है, तो 16 से भी कुछ वैसे ही मिलते जुलते नियम है। इसमें क्या करनी होती है, अंतिम 4 अंकों को हमें देखनी होती है। तो अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, ठीक है, 16 से अगर विभाज्य हो तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो यहां अगर देखें इस एग्जाम्पल में तो 3776, ठीक है, 3776 इसे अगर हम भाग दें 16 से तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 5 7, 16 3 48, 9 16 6 96 गुना 16। तो ये पूर्ण रूप से विभाज्य है 16 से, तो पूरी दी हुई संख्या 16 से आपको विभाज्य होगी। वहीं अगर ये संख्या को देखें तो इसके अंतिम 4 संख्या है 5 6 8 4, ये 4 अंकों से बनी संख्या होगी। इसे अगर हम 16 से भाग दें तो 16 3 48, 8 8, 16 5 80, 8 16 5 80 गुना 16 प्लस 4, तो शेषफल हमारा 4 आ गया। तो ये पूर्ण रूप से जो 16 से विभाज्य नहीं है, तो हमारी दी हुई संख्या भी 16 से विभाज्य नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने विभाज्यता परीक्षण के कुछ नियम देखे। ओके, थैंक यू।